नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Apple iPad Pro 12.9 2021 Wi-Fi Plus Cellular versus Apple iPad Air 2020 Wi-Fi Plus Cellular का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टैब के डायमेंशन की। दोनों टैब की लेंथ की बात करें तो iPad Pro 12.9 में 11.05 इंच जबकि iPad Air 2020 में 9.75 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि iPad Pro 12.9 से कम है। विड्थ की बात करें तो iPad Pro 12.9 में 8.46 इंच जबकि iPad Air 2020 में 7.03 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि iPad Pro 12.9 से कम है। बात करें थिकनेस की तो iPad Pro 12.9 में 0.25 इंच जबकि iPad Air 2020 में 0.24 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो iPad Pro 12.9 में 685 ग्राम्स जबकि iPad Air 2020 में 460 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों टैब में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो iPad Pro 12.9 में 12.9 इंचेस जबकि iPad Air 2020 में 10.9 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन iPad Pro 12.9 में 2048x2732 और iPad Air 2020 में 1640x2360 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो iPad Pro 12.9 में 85.46% जबकि iPad Air 2020 में 81.07% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो iPad Pro 12.9 में 265 पिक्सल प्रति इंच जबकि iPad Air 2020 में 264 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स की, जो कि टैब का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो iPad Pro 12.9 में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में सेकंड कैमरा देखने को मिलता है। और iPad Air 2020 की बात करें तो इसमें एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो iPad Pro 12.9 में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और iPad Air 2020 की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो iPad Pro 12.9 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और iPad Air 2020 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो टैब में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो iPad Pro 12.9 में Apple GPU 8-core Graphics जबकि iPad Air 2020 में Apple GPU 4-core Graphics मिलता है। चिपसेट की बात करें तो iPad Pro 12.9 में Apple और iPad Air 2020 में Apple Bionic मिलता है। बात करें RAM की तो iPad Pro 12.9 में 4 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB, 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 16GB की RAM मिलती है, जबकि iPad Air 2020 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो iPad Pro 12.9 में 4 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB, 512GB, 1024GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि iPad Air 2020 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों टैब में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों टैब में iPadOS V14 देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो iPad Pro 12.9 में 2 कलर्स जबकि iPad Air 2020 में 5 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो iPad Pro 12.9 में 4 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB RAM, 128GB स्टोरेज के साथ 1,09,900 रुपीस
8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 122,900 रुपीस, 8 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ 112,900 रुपीस, 16 GB रैम 1024 GB स्टोरेज के साथ 148,900 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें iPad Air 2020 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 66,900 रुपीस, 4 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 69,900 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Apple iPad Pro 12.9 2021 Wi-Fi Plus Cellular में 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Apple iPad Air 2020 Wi-Fi Plus Cellular की तो उसमें 2 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों टैब सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों टैब सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों टैब सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों टैब सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे टैब की बात करें तो एक ही कॉम्पिटिटर टैब अवेलेबल है, जो कि Apple iPad 10.2 2021 Wi-Fi है, जो कि 44,900 रुपए में मिलता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।